नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ मसूर दाल। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरी मसूर दाल को धो के लिया है, दो प्याज लिए हैं कट करके रफली, दो टोमेटो लिए हैं कट करके। इसको बनाने के लिए मैंने कुकर लिया है। कुकर में मसूर की दाल अच्छे से दो बार धो के डाल दिया है। दाल डालने के बाद मैंने डाले हैं प्याज और टोमेटो। अब हमें आवश्यकता अनुसार पानी ऐड करना है। अब इसके हमें 3 विजिल आने तक पकाना है। ये देखिए दाल अच्छे से पक चुकी है। अब हमें थोड़ा मैश करके लेना है। दाल को तड़का लगाने के लिए मैंने लिया है करी लीव्स, गार्लिक और धनिया पत्ता। ये देखिए दाल को मैंने मैश करके ले लिया है। अब इसको तड़का लगाते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई पहले गर्म करने के लिए रख दी थी, उसमें तेल डाल दिया है 2-3 चम्मच। तेल गर्म होने के बाद हम मैंने डाली है राई। राई चटकने के बाद हम ऐड करेंगे जीरा। राई को अच्छे से चटकने देना है, उसके बाद ही ऐड करेंगे जीरा। जीरा राई चटकने के बाद जो मैंने लहसुन लिया था रफली पेस्ट बना के, वो ऐड करना है। ऐसा दरदरा ही कुट के लेना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छी आती है। अच्छे से थोड़ा लहसुन का कलर चेंज होने तक पकाना है, हल्का सा गोल्डन होने तक। फ्राई करने के बाद हम ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे। तेल में धनिया डालने से भी टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। ये दाल तो ऐसे डिलीशियस बनती है। हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब 1 चम्मच भर के मैंने गरम मसाला ऐड किया है। इसमें गरम मसाला ज़रूर ऐड करना, उसी से टेस्ट आता है। स्वाद अनुसार नमक डाल के एक बार तेल में अच्छे से मिक्स करके लिया है। इसका तड़का अच्छे से लगाना है, गैस की फ्लेम फास्ट ही रखना है। अब हम ऐड करेंगे पकी हुई मसूर की दाल। गैस फुल रहने से इसमें तड़का बहुत अच्छे से बैठता है। ये दाल बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको आवश्यकता है तो इसमें पानी डाल दीजिए थोड़ा सा, मैंने थोड़ा सा ही डाला है, 1 कप इतना। अब इसको हमें 3 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल आने देना है। थोड़ा सा धनिया डाला है। और देखिए 3 मिनट के बाद देखिए दाल हमारी अच्छे से उबल चुकी है, तेल भी सेपरेट हो गया है फ्रेंड्स। चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखिए अब मैंने गैस ऑफ कर दिया है। यम्मी डिलीशियस हमारी मसूर की दाल सब्जी बनकर तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए।